अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड, बजट और एक्चुअल का डिफरेंस सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, बजट क्या होता है। एक्चुअल तो हमें पता होता है कि एक्चुअल जो असल में चीज हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड और बजट बहुत हद तक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगी कि आपका इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले तो मेरी बात याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज का कोई स्टैंडर्ड, कि एक पेपर को करने का टाइम है 3 घंटे, तो ये तो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपको आपका पेपर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू होगा और खत्म होगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड आवर्स होता है, ठीक है। किसी भी चीज को करने के जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ होता है, नॉर्मली जो चीज चल रही होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम बजट पे। मैंने ये बजट कर लिया कि मैं अपना जो पेपर है ना, ये 3 घंटे में नहीं करूंगी। मैं पेपर में जाने से पहले ये बजट बना के गई कि मैं ये अपना पेपर 2.5 आवर्स में करके निकल जाऊंगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में मेरा ये पेपर 3.5 घंटे में हुआ। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वो जो किसी भी चीज का नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम होता है, बजट वो जो हम बना के जाते हैं, चीज अभी हुई भी नहीं होती है, हम बना के जाते हैं कि हम इतनी देर में ये काम कर लेंगे, हम इतने यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, हमारी कॉस्ट ये आएगी, सही है। तो हम बजट को एस्टीमेट करते हैं। मैंने एस्टीमेट किया कि मैं अपना पेपर 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे में कर लूंगी, तो ये है मेरा बजट। लेकिन असल में क्या हुआ, एक्चुअल में मेरा पेपर 3.5 घंटे में हुआ। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। आई होप आपको ये तीनों चीजें आपस में क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।